हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज। वो आज फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया है मित्रों। अब जानते हैं कि यह क्लास जो है से 10th क्लास के लिए दिया जाता है और यह प्रतिदिन रात के 9 बजे क्लास दी जाती है। केवल सोमवार के छुट्टी रहता है, अर्थात मंडे को छुट्टी रहता है, ठीक है। बाकी सप्ताह में प्रतिदिन क्लास दी जाती है मंडे को छोड़कर, ठीक है। तो ये क्लास आप देखना ना भूलेंगे क्योंकि यह प्रैक्टिस करवाई जाती है क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग करवाते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं मित्रों, ठीक है। तो जितने भी बुक है उसको उससे हम करवाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आज जो है चैप्टर नंबर 1 का चौथा क्लास है, ठीक है ना। बाकी के क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट हम बना प्लेलिस्ट में बना दी है इसके लिए, है ना, अलग है। तो आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाने आता ही होगा। आप लोगों पर जैसे टच कीजिएगा तो होम वीडियोज और लाइव प्लेलिस्ट ऐसे करके आएगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप प्रतिदिन देखिए क्लास, क्लास देखना ना भूलेंगे, ठीक है ना। आप धैर्य के साथ अगर देखते हैं हमारी सारी क्लासेस, प्रत्येक चैप्टर के मैं इसी तरह से करवाऊंगा, आपके दिमाग में बिल्कुल मैं फिट करवा दूंगा, ठीक है ना। तो यह अलग अलग क्वेश्चन तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है से आएंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है से क्वेश्चन याद ही होगा, एकदम बिल्कुल सेट हो जाएगा दिमाग में, ठीक है ना। अब मान लिया जाए कि इससे हम करवाएं क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है, वही क्वेश्चन उसमें तो भी जरूर रहेगा, एक्स्ट्रा और क्वेश्चन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह की बात रहेगी। और यहाँ पे इससे करने से फायदा यह है कि आपको बिहार बोर्ड के भी क्वेश्चन पता चल जाएगा और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो और आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि क्लास में हम पढ़ाते हैं और तुरंत प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है निम्नलिखित में से किस संस्था में, मतलब भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण निम्नलिखित में से किस संस्था में है। तो इसका सही जवाब है मित्रों किस संस्था में है, पंचायती राज व्यवस्था, मतलब पहला का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पहला का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है, मतलब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है, 72वां, 73वां, 74वां, 75वां, है ना। मतलब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है मित्रों, जल्दी से बतलाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ना, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ। ये सब ना हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर में जब दे दिया है पहला चैप्टर में, अभी बुक को छापने वाला को पता ही नहीं है कि पहला चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है, तो हम क्या बताए। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में से क्यों मुद्दे पर सफलता पाई है, बताइए। तीसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था पंचायती राज व्यवस्था से, जो कि सही जवाब है। 74वां संविधान संशोधन हुआ था नगर पालिका के लिए, जो कि शहरों में व्यवस्था होती है, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, सब नाम सुनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन का झट से जवाब दीजिए, राजनीति का समानता को समाप्त कर दिया है कि लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, बहुमत और अल्पमत समूह के साथ एक जैसे व्यवहार करता है, समाज को आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक माना कम कर दिया है। देखिए क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंकित में किन मुद्दे पर सफलता पाई है। तो क्वेश्चन तो कई बार करवाया है कि लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर देती है ना। तुम क्या है भाई। अगला नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, चौथा नंबर, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, जल्दी जवाब दीजिए। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, आपको तो याद हो ही गया होगा चूंकि क्योंकि तुम बार बार क्वेश्चन करवा ही रहे हैं, तो ये सब तो आपको दिमाग फिट हो गया होगा और आपको फटाफट आवाज आ रहा होगा। फटाफट आ रहा है तो आप फटाफट कमेंट कीजिए, तो आप ऐसे बैठे क्यों रहते हैं, आप कमेंट कीजिए फटाफट, आप आंसर टाइप कीजिए क्वेश्चन नंबर देकर। बांग्लादेश 1971 में और श्रीलंका 1948 में, ठीक है। भारत 15 अगस्त 1947 के हो गए किया था। पांचवा नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे मित्रों, पांचवा नंबर क्वेश्चन
ठीक है, पांचवा क्वेश्चन का जवाब देंगे। पांचवा क्वेश्चन का जवाब दे, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, बताइए। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? यह पंचायती राज व्यवस्था है ना, सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, बताइए। इनसे आंसर पर ध्यान न दीजिए, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था ना सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959, पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद संविधान के 73वां संशोधन हुआ है ना 1992 से 93 ईस्वी में, उसके बाद फिर पूरे देश में लागू। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में हुआ, इस बात का आप ध्यान रखिए। 56वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 15वें लोकसभा महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, बताइए। 15वें लोकसभा महिलाओं की भागीदारी तो 10.68% सब तो बताएंगे। अगला देखिए, 17वां क्वेश्चन, 16वें लोकसभा महिला सदस्यों की संख्या कितनी, अब देखिए ना। 16वीं लोकसभा की मैं बात करूं तो 61 को है, लेकिन डी ऑप्शन दिया है गलत, है ना, 61 को है, ठीक है। 15वीं में लगभग 58 के लगभग है, 56-58 के, 16वीं में 61 के लगभग है, और 17वीं में 78 महिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक औपचारिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं, जल्दी जवाब दे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिक कौन सा मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 में है कि नहीं, समानता का अनुच्छेद 14 से 18 जाते हैं, संविधानिक औपचारिक अधिकार अनुच्छेद 32 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। 9वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जल्दी से जवाब दीजिए मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। खाना वाना आप लोग खा लिए होंगे, ठीक है। 9वां का देखिए मित्रों, बी ऑप्शन, ठीक है। खाना खाकर 9 बजे एकदम क्लास में बैठ जाइए, एकदम बिल्कुल क्लास करने के लिए। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, काटिल था, किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक, टोमी स्मिथ, जॉन कार्ल, जेड बी, बतलाइए 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 बतलाइए। तो कौन लोकतंत्र में विरोधी रंगभेद के विरोधी नहीं थे, तो आपको ऐसी दिमाग बैठे जेड गुडी है ना, डी। 11वां, भारत में कहा औरतों के आरक्षण की व्यवस्था, बतलाइए। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्था, पंचायती राज संस्था है ना, औरतों के लिए आरक्षण तो नहीं है। भारत में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई, तो भारत में अगर पंचायती राज संस्था पूछ रहा है तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में कहा गया है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित, 33%, पहले वर्तमान में बढ़ा दिए गए 50% कर दी गई, लेकिन बात तो कि पंचायती राज संस्था में महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित, 33% ऐसे, ठीक है। बाद में 2009 में बढ़ाया गया था, बिहार में सबसे पहले 2006 में बढ़ाया गया, 33 से 50% किया गया था। अगर पूछेगा कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण कितना बढ़ा दिया गया है, मतलब या 33% से कितना कर दिया गया है, तो 50%। 13वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, 13वां क्वेश्चन का, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और क्या है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ, मतलब ये सब आपको याद हो गया होगा, 1918 ईस्वी सेट हो गया होगा। मुख्यत में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर भेद विखंडन का सामना करना पड़ा, युगोस्लाविया बेचारा बर्बाद हो गया था, है ना, धार्मिक जाति को लेकर। भारत पर जाति राज की संस्थान महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया, फिर वही क्वेश्चन, 33% रिपीटेड। 17वां, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था अपने विश्वास की तिलानित नहीं दे सकता, कथन किसका है भाई जी, तो ये तो जगजीवन राम बोले थे, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अधिकार अवसर मामले महिला को विशेष प्रावधान प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वैसे व्यक्ति को नारीवादी कहलाते हैं, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है,
61.9%, 17%, 64.6%, 60%। बोलिए जल्दी से, है ना। आप पेंशन पर ध्यान ना दीजिए, अब डायरेक्ट आप पेंशन दीजिए, कौन सा करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा करते हैं कि अगर आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आती है, दिमाग नहीं लगती है, तो आंसर वाला आंसर दे देते हैं। चलो एक हो सका सही हो जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। देखिए महिलाएं की बात हो रही थी, ये भले हो सकता है महिलाएं 64.6% साक्षर थी, क्योंकि क्वेश्चन जो पहले था वो भारत में पूछ रहा था लेकिन महिला नहीं बोला था, इसलिए मैं कह रहा था कि भारत में से 74% है, महिलाएं की बात करें तो 64.6% है, पुरुष की बात करें ना तो लगभग 81-82% के साक्षर, ठीक है। 19वां नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया। देखो ना फिर लगा देखिएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 8 मार्च 1975 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में से कौन सा कथन सही है। यह धर्म कथा भेदभाव की मनाही करता है, एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये तो गलत बात है, सरासर गलती बात है। कौन सा कथन सही है, एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, गलत है, सभी लोगों को भी धर्म मानने की इजाजत देता है, जिसे मानो किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिक बराबरी का अधिकार देते हैं, नहीं भाई, धर्म के द्वारा भेदभाव की मनाही करता है, इस बात तो है, मना करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा कौन है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी है। जी अफसर क्षेत्र 25 से कहता है। अगला क्वेश्चन, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में, तो जाति पर जो आधारित जो विभाजन है किस देश में है, तो भारत में। अगला, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए हैं, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए, स्त्रियां चार दीवारी में सिमट गई है, विपन्न रही है, स्त्रियां स्वतंत्र हो गई है, विपन्न मतलब संपन्न मतलब सब चीज हो, विपन्न मतलब कुछ ना हो, स्त्रियां स्वतंत्र हो गई है, सम करने जैसी बीमारी से बची गई है, इस सब का बोलता है, चार दीवारी में सिमट कर रहेगी, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुआ, है ना, उसको घर के अंदर रहना नहीं बोलते हैं हम लोग, अब वो घर के मतलब मिस्त्रियां घर के अंदर काम करेगी, पुरुष घर के बाहर काम करेंगे, बाकी कोई चीज की दिक्कत नहीं रहती है, स्वतंत्र तो हो ही नहीं है। अगला देखिए, 24वां नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका में सत्ता भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है। अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखना प्रयास, बहुसंख्यक संघीय भाषा के हितों की अपेक्षा, संघीय व्यवस्था अपना कर सभी क्षेत्रों के हितों का ध्यान, सरकार के नीति द्वारा संघीय भाषा बहुसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, बताइए श्रीलंका में सत्ता भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या, अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, गलत बात है, बहुसंख्यक संघीय भाषा के हितों की अपेक्षा, ये तो भाई गलत बात है, संघीय व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्रों के हितों का, नहीं है, सरकार की नीतियों द्वारा संघीय भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखना। देखिए श्रीलंका में दो ही भाषा है, ठीक है ना, एक संघीय भाषा तमिल भाषा, तो संघीय भाषा में ना ज्यादा संख्या में बहुत ज्यादा इसलिए उसकी दबदबा होती है, और श्रीलंका में तमिल की समस्या हमेशा बनी हुई रहती है क्योंकि तमिल कम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 17 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार, गलत है, संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया, बात सही है, पूछा क्या है, संविधान के अनुच्छेद 16 में देश के नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार, गलत है, चाहे कि भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है, संविधान के अनुच्छेद 19 देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देती है, डीएस वन तो कट गया है, 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, बदलाइए कथन बदलाइए,
निम्नलिखित में सही कथन कौन है बताइए। ए ऑप्शन में है, बड़े लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक भेद उत्पन्न होते हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति कई पहचान होती है, हो सकती है। सामाजिक भेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यार पड़ता है। सामाजिक भेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक नहीं होता है, हमेशा लोकतंत्र के लिए क्या होता है, के लिए नहीं किया। चल बताइए भाई, माइक लगा लेता हूँ तब तक। तब तक आप लोग उत्तर दीजिए। हाँ बतलाइए, तो सामाजिक भेद हमेशा लोकतंत्र के घातक होता है, ऐसा तो बात नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लोकतंत्र व्यवस्था में एक व्यक्ति कई पहचान हो सकती है। अब स्वयं आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सही है गलत है ना। निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार क्या हो सकता है, स्त्री पुरुष की जैविक बनावट नहीं है, दोनों बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिका ही हो सकती है, दोनों में सक्षरता दर, दोनों में आर्थिक दर, नहीं, दोनों के बारे में प्रचलित जो रूढ़ छवियां हैं, जो पहले से जो चली आ रही है, जो सामाजिक भूमिकाएं हैं ना, यही जो है ना लैंगिक असमानता का आधार है। इसका भी अठाईसवां क्वेश्चन, सामाजिक भाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा ज्ञान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, बताइए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कौन सा लागू नहीं होता है। सामाजिक भाजन संभालने के संदर्भ में, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतंत्रता के चलते सामाजिक भाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है, पड़ती है, लागू नहीं पूछ रहा है ये तो भाई। हाँ बोला लोकतंत्र विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है, हो सकती है, क्यों नहीं संभव है, शांतिपूर्ण ढंग से तो संभव है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है भाई, ठीक है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है, नहीं यही गलत है, विखंडन की ओर थोड़ी ले जाता है लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बयानों में सही बयान कौन सा है बताइए, निम्नलिखित बयानों में सही बयान कौन सा है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक भेद उत्पन्न होता है, सामाजिक भेद पर राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में क्यों सामाजिक भेद उत्पन्न होती है, इसे तो कोई बोले सही बात नहीं है यार, सामाजिक भेद पर राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव तो पड़ेगी यार, ये भी गलत है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति कई पहचान होती है, हो सकती है यार, सामाजिक भेद हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे नहीं यार, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं ना। 30 नंबर क्वेश्चन, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, कथन किसने था, किसका था कथन, महात्मा गांधी का। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यह है आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए भावी समाज जो आने वाली समाज है, लोकतंत्र की जिम्मेवारी उद्देश्य पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तब देख सकते हैं मित्रों क्या है स्थिति, दिखाई दे रहा होगा। भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी, जो आने वाली समाज है, भावी समाज में क्या आने वाली लोकतंत्र की जिम्मेवारी उद्देश्य पर संचित का क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए और क्या उद्देश्य होना चाहिए उसके बारे में। देखिए भावी समाज में लोकतंत्र का जिम्मेवारी और उद्देश्य निम्नलिखित बिंदु से स्पष्ट किया जा सकता है। तो हमने जो बिंदु डाला है लोकतंत्र की जिम्मेवारी, इसमें देखिए लोकतंत्र की जिम्मेवारी क्या हो सकती है कि भाई सत्ता का विभिन्न स्तर पर विभाजन कर दे, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्वशासन पर, है ना, यह सब विभाजित है। जातिवाद व्यवस्था को समाप्त कर दो भाई, बड़ी जातीयता होता है ना, ऊंच जाते नीच जाते, अगड़ी जाते नीचे पिछड़ी जाते, है ना, ये सब होते ना चाहे जहां भी हो। तो जातिवाद व्यवस्था को ना समाप्त कर दो, बहुत ऊंच नीच हो गई। तीसरा, धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना, धार्मिक भेदभाव को समाप्त कर दे भाई, बहुत धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, है ना, शोषण किया जाता है, सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न होती है, दंगे प्रसाद हो जाते हैं, है ना, तीसरे देश का बहुत नुकसान है, लोकतांत्रिक देश में बहुत नुकसान। क्षेत्रवाद की भावनाओं को समाप्त करना, है ना, जैसे बिहारियों को असम में भी भगाया गया था, महाराष्ट्र में भी पीटा गया था, है ना, तो ये सब जो बात है इसको ना आप बाहर निकालिए सब चीजों से,
क्षेत्रवाद की भावनाओं को समाप्त कर दीजिए। इंडिया में देश के किसी भी कोने में आने जाने की स्वतंत्रता है, बाहर जा सकते हैं, है ना, आपका यह स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट दिया गया अनुच्छेद 19 में। विभिन्न समूहों के बीच टकराव को कम करना है, है ना, विभिन्न समूहों के बीच जो टकराव होती है ना उसको कम की जाएगी। लोकतंत्र की जिम्मेदारी है ना जी, एक दूसरे से टकराव करते रहेगा तो किस लिए है लोकतंत्र, जनता ने किस लिए प्रतिनिधि पूछना है। मौलिक अधिकारों के हनन पर रोक, मौलिक अधिकार तो सबको ही मिलने चाहिए। मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है ना जो कि जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, रोक लगाओ। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक मिलना चाहिए, आर्थिक मिलना चाहिए और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक रूप से है ना समाज में, आर्थिक रूप से मतलब कि आर्थिक स्थिति से है ना न्याय मिलना चाहिए, राजनीतिक रूप से भी न्याय मिलना चाहिए, है ना। पॉलिटिशियन की कितनी दबदबा हो जाती है जिसकी वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पाती, तो इस तरह की बात ना होनी चाहिए। न्याय मिलना चाहिए निष्पक्ष रूप से, चाहे वो गरीब हो अमीर हो उससे कोई लेन देन नहीं। और आर्थिक अगर न्याय मिल जाएगा तो गरीब अमीर के कोई उतना फर्क नहीं रहेगा। सामाजिक मिल जाएगा न्याय तो आप समझिए कि समाज में उसकी क्या इज्जत समान होगी। और राजनीतिक न्याय मिल जाएगा तो किसी प्रकार की दबदबा नहीं होगी किसी तरह, इसे मिल जाने से बहुत अच्छा लोकतंत्र हो जाएगा। मानवाधिकार को लागू करना, मानवाधिकार को भाई लागू कर दिया, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, इसके लिए गठन किया गया था 1993 में 10 दिसंबर को, है ना। तो मानवाधिकार आयोग है ना लागू करना चाहिए इसको, संविधान के प्रावधानों को लागू करना इत्यादि। मानवाधिकार आयोग जो होता है ना इसके जो मुख्य होते हैं चीफ होते हैं सुप्रीम कोर्ट के ना मुख्य चीफ रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, ठीक है। संविधान के प्रावधानों को लागू करना इत्यादि, ठीक है ना। संविधान के प्रावधानों को यार लागू करो यार, और भी बहुत सारी चीज, संविधान के सारा चीज को लागू करो तो नहीं लागू कर पाते हैं। लोकतंत्र का उद्देश्य बदलाया क्या है, देखिए प्रत्येक नागरिक को अगर सामाजिक सम्मान के साथ इज्जत के साथ अगर सामाजिक न्याय मिल जाए, कानूनी संरक्षण मिल जाए, उसको सुरक्षा मिल जाए, और अगर सारी विभिन्न तरह के जो अधिकार है अगर मिल जाए, तो लोकतंत्र का यह मुख्य उद्देश्य ना है, सबसे अच्छा हो जाएगा, ये मुख्य उद्देश्य इसका मिल, उसके बावजूद इसके अलावा भी आप कुछ काम कीजिए, मुख्य उद्देश्य में आता है, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। तो क्लास करना ना भूलें, अपने दोस्तों को सही मित्रों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, सभी को बतलाइए, क्लास बिल्कुल मुफ्त बिल्कुल फ्री कर चलाई जा रही है यूट्यूब चैनल पर, और बिल्कुल रेगुलर वे में जैसे ही क्लास में कराई जाती है उसी प्रकार से कराया जा रहा है। ऐसा ना लग रहा है इसका मतलब ये थोड़ा ना हो कि इसका वैल्यू नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, रात के 9 बजे जरूर जुड़ना, ठीक है, लाइव क्लास ज्वाइन करें, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। Hey.